जेहन माई स्वीट फैल्कन्स वेलकम यू ऑल टू मिलिट्री ब्रेड ऑफिशियल्स टुडे आई एम कवरिंग योर जी के एंड करेंट सिलेबस ठीक है बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम दी हमें जी के करेंट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो हमने एक बैच लॉन्च किया है एम एन एस बैच जो कि सेपरेटली जी के और करेंट के ही लिए बनाया गया है ठीक है आप हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट बैच है जो भी आपको ज्वाइन करना है जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है वो ज्वाइन कर सकते हो सेपरेट ठीक है इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज फुल देन यू कैन ठीक है आपको अगर पूरा परचेज करना है तो आप पूरे फुल कोर्स में एनरोल कर सकते हो ठीक है तो आज हम बात केवल करेंट और जीके की करने वाले हैं ठीक है थीके? कि इस वाले जो बैच है आपका इसमें हम क्या क्या कवर कराएंगे ठीक इस्टार्टिंग फ्राम द करेंट पोर्शन गवर्नमेंट स्कीम डिफेंस एम सी क्यू रिपोर्ट इन न्यूज़ अवार्ड ऑनर पर्सन प्लेस इन न्यूज़ ठीक है इंपॉर्टेंट डेट इवेंट्स इस्पोर्ट्स के एम सी क्यू जो भी न्यूज़ में होंगे ठीक साइंस टेक्नोलॉजी न्यू इन्वेंशन जो भी न्यूज़ में होंगी उनको कवर करेंगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सबमिट कॉन्फ्रेंस इनको भी कवर करेंगे आर्ट कल्चर एंशियंट मेडिवल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इनकी जो क्रिस क्रिस पॉइंट्स है ना उनको उठा के सॉल्व करवाएंगे आपसे ठीक है इंडियन वर्ल्ड जोग्राफ़ी इंडिया और वर्ल्ड की जोग्राफी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन इसके भी इम्पोर्टेंट क्योंकि दो से तीन क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं स्पोर्ट्स क्विज़ अब ये ऊपर भी हमने स्पोर्ट्स की की थी वो आपके न्यूज़ से रिलेटेड होगी और स्पोर्ट्स क्यूज़ क्विज़ उसमें आ जाती है लाइक like, जो भी अपना पहले करा था कि जैसे फर्स्ट किसने कोई भी आ, किसी भी गेम में किसने क्या मतलब कि लिया था या मतलब किसी तरीके से किसको कौन सा मेडल मिला था ठीक है ना स्टैटिक पोर्शन होल स्टैटिक पोर्शन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग लूसेंट पढ़ें बट ल्यूसेंट में भी जो क्रिस्प क्रिस्प पॉइंट है ना उन पे जाना है ये नहीं कि पूरा लूसेंट पढ़ना है ठीक सो so, नाउ कमिंग टूअर्स अवर नेक्स्ट स्लाइड इस स्लाइड में तो मैंने आपको ये कवर कर दिया कि एक्चुअल में हम लोग आपको कवर क्या कराएंगे जो भी हमारा फैल्कन बैच है मैंने इसका उसमें क्या कवर कराएंगे ठीक है सबके दिमाग में ये होगा कि पता नहीं हम लोग को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा कितना क्या कवर किया जाएगा इस बैच में इस बैच में आपका ये होगा प्लस आपको क्विज़ दी जाएगी टॉपिक वाइज क्विज़ ठीक है डेली टॉपिक वाइज़ क्विज़ हर एक टॉपिक की ढंग से ठीक और उसको एनालाइज भी आप रिजल्ट को अपने कर सकते हो दैन आपको उसमें नोट्स भी अभी एक ऑफ़र चल रहा है उसके थ्रू आपको उसमें नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे ठीक है नाउ मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट स्लाइड ठीक है नाउ अवर नेक्स्ट स्लाइड इज जी के करेंट फिफ्टी क्वेश्चन मॉक टेस्ट व्हाट्सएप फॉर परचेसिंग ठीक अब जी के और करेंट का मॉक टेस्ट जिन बच्चों को जीके और ओ में प्रॉब्लम हो रही है वो मॉक टेस्ट सेपरेट ले सकते हैं या फुल मॉक लेंथ वाले बैच में एनरोल भी कर सकते हैं ठीक है फॉर एनरोलिंग आपको अगर परचेस करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं ठीक है नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट स्लाइड अब आपको क्या है कुछ डेमो क्वेश्चन हम देंगे ठीक डेमो क्वेश्चन किस लिए कि जिसको लग रहा हो पता नहीं किस तरीके के क्वेश्चन हम देंगे आपको करने के लिए तो ये सब डेमो क्वेश्चन हैं ठीक लाइक जो आपको मॉक टेस्ट मिलेगा उसमें क्वेश्चन किस तरीके के होंगे तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने इसमें स्लाइड में डाल रखे हैं ठीक है तो आप इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो क्वेश्चन पेपर है वो एम एन एस क्वालिफाइड बच्चे बना रहे हैं ठीक है प्लस एफ एफकट जिन्होंने चार चार पाँच पाँच बार क्लियर कर चुके हैं वो वो बना रहे हैं ठीक है ऐसा कुछ नहीं है कि बस अपने आप ही बना दिए नहीं क्वालिफाइड स्टूडेंट्स बना रहे हैं काफ़ी ज़्यादा देखने और समझने के बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा ठीक है सो नाउ स्टार्टेड फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर वन हैव फोर्टी बट हमारे लिए वन है ठीक है द इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच कंट्री ठीक कंट्री और स्टेट कह सकते हैं तो गैस कहाँ पर है ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ में ही है ठीक है काफी अच्छा क्वेश्चन था अब ये क्वेश्चन क्यों आया है बिकॉज ये इंद्रावती नेशनल पार्क अभी रिसेंटली में न्यूज में था दे कम इन दिस मॉक टेस्ट ठीक है नाउ मूविंग टूअर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड स्लाइड नंबर सेकंड मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन तो थर्टी नाइन है वैसे विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन आ डोमेन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑप्शन नंबर ए डिफेंस बी फॉरेन अफेयर्स सी कम्युनिकेशन डी हेल्थ आंस जो क्वेश्चन है ना काफ़ी अच्छा है इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं तो इसमें से कौन सा है जो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है ठीक है डोमेन में तो वो है हेल्थ सेक्टर क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर को देखती नहीं है डिफेंस को देखती है एंड फॉरेन अफेयर्स को कम्युनिकेशन को देखता है ठीक है वो हेल्थ सेक्टर को नहीं देखती है नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट स्लाइड अब क्या है क्वेश्चन विच थर्ड अपने लिए थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया ठीक है कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मैंने ये काफ़ी इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करवाए थे कि ये इंस्टाग्राम पे भी डाले गए हैं आपके लिए ताकि आप एक मतलब आइडिया लगा सकें कि एक्चुअल में किस तरीके का पेपर आ रहा है या किस तरीके का एम एग्ज़ाम में पेपर आने वाला है लेवल क्या रहेगा उसका ठीक है तो इसका आंसर काफ़ी ईजी आप सब दे लेंगे लद्दाख ओके नाउ नेक्स्ट द चूतक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट ज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ यूटी ऑप्शन ए कर्नाटका बी पुडुचेरी सी उड़ीसा डी जम्मू एंड कश्मीर एंड द आंसर इज़ जम्मू एंड कश्मीर ठीक है ये जो हाइड्रोलैक्ट्रिक प्लांट है ये अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा था रिसेंटली में इसलिए इसको इसमें ऐड किया गया है ना नेक्स्ट स्लाइड विच अमंग द फॉलोइंग पोर्शन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नॉन एज एज चाइल्ड ऑफ पार्टीशन ठीक है किसको चाइल्ड ऑफ पार्टीशन कहते हैं इतना जबरदस्त क्वेश्चन है ना ये काफी मतलब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ठीक इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके एम एन एस एग्जामिनेशन में तो ऑप्शन नंबर है पैरादीप बी है कोलकाता सी है कांडला डी हल्दिया एंड द आंसर इज कांडला ठीक है क्या है आंसर कांडला कांडला इज द आंसर नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट लाइन विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया शेयर मैक्मम लेंथ ऑफ बॉर्डर ये अभी एक एम एन एस एग्जामिनेशन में टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में ये एक शिफ्ट में ये आया भी था क्वेश्चन ठीक है किसके साथ सबसे ज्यादा बड़ा बॉर्डर करती है शेयर सॉरी कम छोटा करती है मैक्मम मिनिमम लेंथ का करती है एक सबसे कम तो उसका आंसर था अफगानिस्तान ठीक है सबसे छोटा किसके साथ करती है अफगानिस्तान के साथ तो इसमें पूछा गया है मैक्सिमम लेंथ सबसे ज्यादा किसके साथ करता है ठीक है फर्स्ट पाकिस्तान सी चाइना बांग्लादेश नेपाल तो हमारा आंसर क्या है हमारा आंसर है बांग्लादेश ठीक है सबसे ज्यादा बड़ा किसके साथ करती है बांग्लादेश के साथ इस चीज को याद रखना है सबसे बड़ा और सबसे छोटा नाउ मूविंग ट नेक्स्ट स्लाइड हु वॉज द लास्ट मराठा चीफ टू एक्सेप्ट द सब्सिडियरी अलायंस ऑफ ब्रिटिश कौन था वो मराठा चीफ ए गैडवाड़ बी सिंधिया सी होलकर डी भोसले भूसले ओके तो इसका आंसर क्या है कौन था वो मराठा चीफ इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी होलकर ठीक है इनका नाम हम लोगों ने भी सुना है काफ़ी बार होलकर थे वो लास्ट मराठा चीफ थे ठीक है जिन्होंने एक्सेप्ट किया था सब्सिडरी अलायंस ऑफ ब्रिटिश सिंपल इस चीज़ को रखना है यार ठीक है नाउ नेक्स्ट स्लाइड एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस नेशनल कांग्रेस एडप्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज कितना क्रिस्प क्वेश्चन है छोटा क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है ठीक है ए कैलकाटा बी लाहौर सी दिल्ली एंड डी इज कराची आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी लाहौर सबको पता होगा ठीक है जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छी तरीके से कर रहे हैं और सेल्फ करना चाहते हैं उनके लिए भी बता रही हूँ यू कैन रीड एवरी टॉपिक ठीक कुछ आप अगर कंटेंट पढ़ रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत और जानने की कोशिश करो बिकॉज हो जाता है ना कभी कभार एक्स्ट्रा चीज भी पूछ ली जाती है नाउ मूविंग टवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड द कलिंगा वॉर वॉज फाउट इन विच ईयर ऑफ अशोका रीजन ऑप्शन नंबर ए सिक्स बी सेवन सी एट डी नाइन एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी एट कौन से ईयर में लड़ी गई थी ये कलिंगा वॉर एट ठीक है एट ईयर में एट ईयर रीजन में ओके डन तो अभी एक और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका द आर्यस डेडिकेटेड होल ऑफ़ द सेपरेट मंडला इन रिग्वेदा ऑफ हाइम्स डेडिकेटेड टू ऑप्शन नंबर ए अग्नि बी वरुण सी इंदिरा डी सोमा किसमें किया था टेल मी टेल मी कर ये वाला अभी मैं जो क्वेश्चन है इसका आंसर नहीं दूंगी आप सब लोगों को इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे लिखना है ठीक है कहाँ पे लिखना है कमेंट पे तो ये आप लोग बताएंगे फर्स्ट कमेंट करने वालों को मैं पिन करूँगी ठीक है so, सो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट में ठीक है या कोई स्टडी रिलेटेड इशू आ रहा है आप जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है हमारा यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप ठीक है सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन 2022, एकदम अच्छी तरीके से हंड करके आओ एग्ज़ाम 2022 एकदम बेस्ट रहना चाहिए अपना ठीक है एक बार तैयारी करनी है डेडिकेशन के साथ डिटर्मिनेशन के साथ आप करिए ठीक है ऑल द वेरी बेस्ट जय हिंद